अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफिया से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और पहले पहले तो आप सब सोच रहे होंगे कि भाई इस टाइम ब्लॉग डालने का क्या मकसद है। तो गाइज़, इस टाइम ब्लॉग डालने का ये मकसद था कि जो मामला बिगड़े हुए हैं उनको क्लियर करना चाहिए। जो भी कंडीशन है, जो भी हालात हैं, देखें पहले पहले तो मैं बात करता चलूँ मेहराब सिस्टर के लिए। उनके और मेरे दरमियान जो भी मतलब इख्तलाफात थे, जो भी था, मैंने उनके लिए जिसके कहने पर भी जो भी मतलब गलत मैंने बोला तो वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, खास करके उनकी बेटी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। हम लोग रिएक्शन वाले जो भी है, हमें अपनी एक वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन उनका जो है ना कोई भी जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने, मैंने पहली बात तो ये कोई बात गौर से सुनी नहीं, ऐसे ही जज्बाती हो गया और जज्बात में आकर जो है ना मैंने बहुत गलत फ़ैसला किया। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना पहले पहले तो मेहराब सिस्टर के से सॉरी करता हूँ, उसके बाद उसकी जो है ना क्या कहते हैं बेटी के लिए भी सॉरी करता हूँ उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है ना मुझे उनकी बेटी के लिए खास, क्योंकि देखें मैं खुद बेटियों वाला हूँ और इंसान जज्बात में आ जाता है, जज्बात में आके आप जो है ना बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसकी वजह से फिर आपको जो है ना बाद में मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी के लिए भी सॉरी करता हूँ और उनके हस्बैंड से भी सॉरी करता हूँ, उनसे भी सॉरी करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में उनकी बच्चों के का देखो ना, बच्चों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लड़ाई इंसान के आपस की अपनी होती है, लेकिन बच्चों के ऊपर किसी को भी कोई बात करने का हक नहीं है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। हम लोग सब जो है ना एक ही पैनल के सपोर्टर हैं, सतारा सपोर्टर हैं, सारे ही एक मतलब फैमिली हैं। तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये कि ज़ातियात पे और बच्चों पे नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ मुझसे हुई है वो बहुत गलत है, क्योंकि आगे मेरी भी बच्चियाँ हैं, अगर वो चाहती तो वो मेरी बच्चियों पे भी बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये उन्होंने भी बड़ापन दिखाया है, और सॉरी करना और माफ़ करने वाला भी बहुत बड़ा होता है, और सॉरी करने से भी आपकी शान में जो है ना कोई कमी नहीं आ जाती। लेकिन मेरी गलती है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को भाई एक्सेप्ट करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके अलावा जो है ना इस चीज़ में जो बड़ा हाथ है वो है तेरा सिस्टर का, जिन जिन्होंने ये सारा मामला देखा, उसके साथ बिया सिस्टर का भी है, उन्होंने भी, तेरा सिस्टर और बिया सिस्टर ने बड़े तरीके से जो है ना समझाया मुझे भी और मेहरा सिस्टर को भी, कि भाई हम लोग एक ही फैमिली हैं, एक ही जो है ना प्लेटफॉर्म पे रहना है, तो हमें ये चीज़ें जो है ना जेब नहीं देती एक दूसरे के साथ लड़ाई करना। लड़ाई की एक मतलब एक लिमिट होती है, लेकिन बच्चों पे और ये चीज़ें करना जो है ना बहुत गलत होता है। तो इसमें जो है ना तेरा सिस्टर और बिया सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है, उसके लिए मैं तेरा सिस्टर को अप्रिशिएट करूँगा। वो अक्सर ही मतलब मैंने देखा है उनको कि वो हमेशा जो है ना लड़ाई ख़त्म करवाती हैं, काम बढ़ाती नहीं हैं, ये उनकी एक खूबी है। और खैर मैं तो उनको देखें पहले दिन से ही क्या कहते हैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि शुरू से मेरी जब इनसे फर्स्ट मुलाकात इस्लामाबाद में, मेरी पहली पहली फर्स्ट मुलाकात मेरी इनसे हुई थी, उसके बाद फिर हमने सितारा से मुलाकात करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छा रिलेशन था और अच्छा रहेगा। बस वो जो है ना क्या कहते हैं ऊंच नीच आती रहती है, गलतफहमी भी आ जाती है। जैसे मुझे किसी ने भड़का दिया था, वो कोई यूके की सिस्टर थी, उन्होंने जो है ना मुझे भड़काया मेहराब सिस्टर के ख़िलाफ़, या तो उनका कोई अपने ज़ातियात कोई था, जो भी है, लेकिन मैं भी, मुझे भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि किसी के कहने पर मैं उनके ऊपर रिएक्शन देता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी बेटी और उनके हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है, तो उनको बीच में लाना वो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आप भी कोशिश किया करें। दूसरी ये बात है कि सबसे ज़्यादा मैं थैंक बिया सिस्टर और तेरा सिस्टर का करूँगा, जिन्होंने भाई ये चीज़ क्लियर करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेरा सिस्टर और बिया सिस्टर, और मेहराब सिस्टर से भी सॉरी करूँगा फिर। और गलतियाँ हो जाती हैं, और रमज़ान के दिन हैं, तो वो क्या कहते हैं आखिरी रोज़े चल रहे हैं, और एक दूसरे को माफ़ करके दिल साफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत नेक रहते हैं, तो इसमें ना एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं भी करनी चाहिए,
और दुआएं भी आप लोग भी कीजिएगा, मैं भी दुआएं करूंगा आप सबके लिए, और गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए, गलतियां होती रहती हैं। उसके अलावा जी क्या कहते हैं, एक और भी बात यहाँ करता चलूँगा कि इतना लोग जो मिलकर मैं मुझे ट्रोल करते रहते हैं। हाँ अरे यार तुम भी आ गई ठीक है, तो इतना लोग जो है ना मिलकर जो ट्रोलिंग करते रहते हो यार, मेरी दो फैमिली हैं ठीक है। मैंने दो तीन दफ़ा मतलब अपने साथ गलत करने की भी कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाया। तो अगर आप सब अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे एक तरीके से लेके चलेंगे, तो मैं अपनी दोनों फैमिलियों को भी प्रॉपर टाइम दे सकूंगा और अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करूंगा ठीक है। अगर आप लोग सारे मिल जाओगे, एक इंसान जब देखे ना, एक इंसान और दस सारे भीड़ हो, आप उसको गलत गलत बोलोगे तो वो गलत बन जाता है ठीक है, जबकि वो गलत नहीं होता लेकिन वो बातें कर करके वो गलत बन जाता है। तो लिहाजा जो है ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब सब्सक्राइबरों से ठीक है, आप वक्ती तौर जज्बाती हैं जो भी हैं, लेकिन ना मुझे ना अपने फैमिलियों के लिए जो है ना कमाना है और उनको जो है ना साथ लेके चलना है। तो खुदारा जो है ना ये जंग जो है ना ख़त्म कर दें। मेरी दो फैमिलियाँ, अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे आप एक चीज़ बताएं, जब मुझे कुछ हो जाता है तो फिर इनके बाद इन बच्चों को फैमिलियों को कौन देखेगा। आप तो चलो वक्ती तौर एक जज्बात निकाल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और उस गुस्से में अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर इन फैमिलियों को कौन देखेगा ठीक है। कोई किसी की फैमिली को नहीं खिलाता ठीक है ना, कोई भी किसी की फैमिली को नहीं खिलाता। तो लिहाजा जो है ना मुझे भी ट्रोल करना बंद कर दें, और हमारे जितना भी सिस्टर हैं सपोर्टर हैं सब हम लोग एक ही प्लेटफार्म पे रहते हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं, और ऊंच नीच होती रहती है ठीक है, मुझसे भी ऊंच नीच होती रहती है मतलब ये वो, तो उस सबको माफ़ करके हमें एक प्लेटफार्म पे रहना है। हम सतारा सपोर्टर हैं और सतारा सपोर्टर रहेंगे, बीच में किसी और को जगह नहीं देनी, हमने हेटरों को जगह नहीं देनी कि वो आके हमें तोड़ने की और हमारे बीच जो है ना इख्तलाफात खड़ी करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें ख़त्म करते हैं, और जो है ना मुझे भी अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करने का एक मौका दें, और क्या कहते हैं मैं भी अपनी दोनों फैमिलियों को साथ लेके चल सकूं, अपने बच्चों की केयर करूं, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊं, पढ़ाऊं, अपने बच्चे को भी आगे लेके जाऊं। तो लिहाजा जो है ना बस कर दें, जो है ना इतना ट्रोलिंग जो है ना अच्छी नहीं होती, बात बात पे ट्रोलिंग अच्छी नहीं होती। तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको जो है ना लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। प्लीज़ मेरी बात को समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक इंसान को इतना ट्रोल नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि तहरा सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है ना इस लड़ाई को ख़त्म करवा के, क्योंकि अगर ये लड़ाई ख़त्म ना होती तो ये इसका नतीजा शायद बहुत बुरा होना था, बहुत ही बुरा होना था। तो उससे बेहतर है कि सुलह करवा दी, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब एक टीम है और एक टीम बन के रहना है और एक टीम बन के ही चलना है हम सब ने। तो जो है ना एक दूसरे को मौका भी देना चाहिए सुधरने का, ये नहीं है कि एक के ऊपर बैठ जाए सब लोग, ये भी नहीं होता। तो तेरा सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनका भी मेरी वजह से इस रमज़ान में दिल आज़ारी हुई है उनसे भी मैं भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए हैं तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तेरा सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप ऐसे ही खुश और आबाद रहें और ऐसे ही सबको साथ लेके चलें। एक टीम का लीडर होता है, और जो लीडर होता है ना वो जो है ना पूरी टीम को संभालता है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं और मैं भी इमरान खान का सपोर्टर हूँ, और आप उस नज़रिए से अपने ना पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हर किसी को ये अदा नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, और भी सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया, और मेरा सिस्टर सॉरी जो भी हमारे दरमियान जो भी अख्तिलाफ़ आते उसके लिए सॉरी, और जो है ना आप भी इस चीज़ को जो है ना भूल कर आगे की शुरुआत करेंगे और मैं भी आगे की शुरुआत करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।